अवार्ड कहीं भी मिले अच्छे लगता है, किसी को भी, चाहे एक्टर हो नॉन एक्टर हो। अवार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसके मिलने से इंसान थोड़े इंसान का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। टीवी पे जितने भी अवार्ड टेलीकास्ट होते हैं थोड़े डाइसी होते हैं, वो थोड़े डाइसी होते हैं, बहुत कम होते हैं जो बहुत ज़्यादा रियल होते हैं। जो नॉन फिल्मी और जो टेलीकास्ट जो नहीं होते हैं अवार्ड, वो मोस्टली ज़्यादा जेन्युइन होते हैं और ये उनमें से एक है। सो अच्छा लगता है कि कोई ऐसे एक ऐसा एक सेक्टर जो आपको रिकॉग्नाइज करें। नहीं खुश नहीं, मैं तो वो जस्ट एक टेलीविजन अवार्ड सेरेमनी जो होती है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए होती है और वो जो करते हैं वो व्यूअर्स के लिए होता है, तो वो सही कर रहे हैं, अपने अपनी जगह ठीक है। अभी कुछ नहीं, जब कुछ होगा इंशाल्लाह मैं आप जरूर आऊँगा। मेरा टेक यही है कि जो जिसकी गलती हो वो उसको पनिश हो, पनिश होना चाहिए। ओके, हमारे सेट पे ऐसा कोई नहीं करता है, ऐसा कोई करेगा तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। फीलिंग तो थोड़ी मुश्किल होती है जाहिर करनी, लेकिन अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्द में करूँ बोलूँ, इट फील्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज जनरली हम जो काम कर रहे होते हैं एक धुन में कर रहे होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लोगों से या जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो अपनी जगह होता है, लेकिन जब भी कोई अवार्ड दिया जाता है आई थिंक इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल सकता है कि हम और ज़्यादा बेहतर अपने आप को बनाएँ ताकि हम और ज़्यादा अवार्ड दे सकें। अपकमिंग प्रोजेक्ट तो अभी फ़िलहाल मेरी एक वेब सीरीज आ रही है जो अक्टूबर में आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसी को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उस वेब सीरीज़ का नाम है आफत, आफत, तो फुल आफत आने वाली है इज़ व्हाट आई हैव बीन सेइंग, तो सबके फोन्स में आफत आने वाली है। आई थिंक उसको देख के तो सबकी लाइफ में आफत आएगी। नहीं थ्रिलर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी एक्शन नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, एक 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 नॉर्मल सी लड़की की कहानी है, लड़कियों की कहानी है, लेकिन उसी के ज़रिए कैसे आफत आती है, ज़िंदगी की आफत की बात रही है जी। जी मेरा कहना ये है, अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन जब मैं आसपास सुनती हूँ ऐसा काफ़ी मेरे आसपास लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो मतलब मैं सल्यूट करती हूँ तनुश्री दत्ता को कि शी इज़ कम आउट इन दी ओपन एंड वो बात कर रही है इस बारे में, बिकॉज बहुत ज़रूरी है दैट पीपल स्टेप अप एंड स्टार्ट टॉकिंग, सो आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट हर फॉर दिस एंड आई थिंक शी शुड बी गिविंग जस्टिस। तभी मैं कह रही हूँ टचवुड, मैं काफ़ी जितना मेरा 5 साल का एक्टिंग एक्सपीरियंस रहा है टचवुड मैं काफ़ी लकी हूँ कि मैंने एज सच देखा नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स बहुत गलत है। थैंक यू। ये बहुत ही खास अवार्ड है क्योंकि जो यंग अचीवर्स या आइकॉनिक अवार्ड्स है उनको एक बहुत ही खास दर्जा दिया जाता है, और टू अचीव दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि हमारे फिल्म अवार्ड्स ये सब तो होते ही है, पर यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
बाकी भी जैसे एन जी ओ से रिलेटेड लोग हैं उनको भी अवार्ड किया जाता है. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट बींग एन एक्टर और अ सिंगर और अ सेलिब्रिटी. इट्स बिकॉज वो भी सेलिब्रिटी की तरह ही होते हैं जो कि बहुत ही मतलब आम होते हैं बट बहुत ही खास काम करते हैं एंड दे आर ग्रेट सोशल वर्कर्स. या हाँ जी, मैं एक काम करने वाली हूँ प्रकाश झा के साथ. आई टेल यू, मैं अभी कमिट नहीं कर सकती पर इतना मैं आपसे बोल सकती हूँ कि उनके साथ ही है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. और तेलुगु फिल्म्स चल रही और कुछ बंगाली फिल्म्स हैं. इतना मैं अभी कमिट नहीं कर सकती क्योंकि पर आपको पता है सर का जो स्टाइल है वो बहुत ही उनका यूजुअली पॉलिटिकल ड्रामा या फिर कुछ बहुत ही यूनिक स्क्रिप्ट होता है उनका. तो मैं फिलहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी. देखिए हम जिस फील्ड में यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहते हैं पर मुझे नहीं लगता हमें इनको ज़्यादा हवा देनी चाहिए एंड ये सबकी पर्सनल लाइफ है. सो आई वुड लाइक टू स्टे प्रीटी न्यूट्रल अबाउट इट एंड नॉट कमेंट. मैंने फिलहाल तो टेस्ट नहीं किया है तो आई होप आई डोंट. एंड ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट कि लोग भी यू नो दे पुट अ चेक ऑन दिस बेसिकली. दैट्स माय ओनली मैसेज.